हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जितना भी एमआई का फोन है, रेडमी का फोन है, उस मोबाइल के अंदर में आप देखे होंगे कि उसमें एडीबी मोड आता है या तो फास्ट बूट मोड आता है, और किसी किसी मोबाइल में तो रिकवरी मोड आता ही नहीं है। और दोस्तों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज एडीएल मोड के बारे में कि एडीएल मोड दोस्तों एडीएल मोड क्या है। एडीएल मोड यह है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एडीएल मोड में अगर आप मोबाइल को अगर बूट कराएंगे अपने मेडिकल बॉक्स से, उससे क्या होगा कि आप उसकी फ्लैश फाइल को रीड कर सकते हैं, उसमें आप फ्लैश फाइल राइट कर सकते हैं और उसका एमआई अकाउंट जो है परमानेंटली आप जो है डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था क्वालकॉम सीपीयू का और एफआरपी अनलॉक के बारे में। तो क्वालकॉम का जितना भी मान के चलिए एलवाईएफ का फोन या किसी भी कंपनी का फोन जिसमें कि क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ था, उसका जो एडीएल मोड आ रहा था ऑटोमेटिकली जो है वॉल्यूम प्लस और माइनस से, तो उसका जो हम जो एफआरपी जो है आसानी से अनलॉक कर रहे थे, ठीक है, और अनलॉक हो जाता था, ठीक है। लेकिन अभी जो एमआई फोन आता है तो उसका जो क्या होता है, वो उसका जो एफआरपी अनलॉक नहीं होता, उसका जो एमआई अकाउंट रिमूव नहीं होता है, क्योंकि उसमें एडीएल मोड का ऑप्शन नहीं होता है। और एमआई मोबाइल में एडीएल मोड ना होने के कारण, जिस कारण से हमें उस मोबाइल को फ्लैश करना होता है एमआई अकाउंट रिमूव करने के लिए, और किसी किसी मोबाइल का तो डायरेक्टली जो एमआई अकाउंट रिमूव होता है, किसी मोबाइल का नहीं भी होता है, ठीक है। और नहीं तो अगर जिस मोबाइल का नहीं होता है तो उस मोबाइल को हमें फ्लैश करना होता है। लेकिन अगर एडीएल मोड में अगर एमआई मोबाइल अगर आपका बूट करेगा मेडिकल बॉक्स से, उससे क्या होगा, आप डायरेक्टली जो उसका एमआई अकाउंट जो है रिमूव कर सकते हैं, उसका फ्लैश फाइल आप रीड कर सकते हैं और उसका फ्लैश फाइल आप राइट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे होगा तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्ना ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान के चलिए जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, उस तरीके से अगर आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है डायरेक्टली जो है मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको यहां से ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। यानी मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को अगर प्रॉब्लम होगी किसी भी एमआई मोबाइल का फ्लैश फाइल रीड करने का और उसे राइट करने का या उसका एफआरपी अनलॉक करने का, एमआई अकाउंट रिमूव करने का, तो उसे अगर जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं उसी वक्त आपको जो है यहां से ऑनलाइन आपको जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। तो दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं कि हमने जो मेडिकल टूल को ओपन कर लिया है, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इस मेडिकल टूल में जो पहले का जो वर्जन था, पुराना वाला वर्जन, तो पुराने वाले वर्जन में यहां क्वालकॉम पे जब हम क्लिक करते थे, उसके बाद यहां पे आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन था रीड फ्लैश फॉर्मेट का, ठीक है। तो यहां पे रीड फ्लैश फॉर्मेट का ऑप्शन था और यहां पे नीचे में जो है मैंने पहले जो वीडियो बनाया था, यहां पे जो है एफआरपी लॉक अनलॉक करने का यहां पे जो है ऑप्शन था, एमआई अकाउंट को रिमूव करने का यहां पे ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन उस ऑप्शन को अब यहां से जो है हटा दिया गया है, ठीक है। और ये जो लेटेस्ट अपडेट आया है, तो इस अपडेट में आप देखिए उस ऑप्शन को जो यहाँ से हटा दिया गया है। पहले क्या था कि हम वहाँ पे जो है उसका कोड सेलेक्ट करते थे, क्वालकॉम लोडर को सिलेक्ट करने के बाद एमआई अकाउंट पर जो है चेक लगाने के बाद और उसका एफआरपी मेथड सेलेक्ट करने के बाद हम जो है स्टार्ट बटन पर क्लिक करते थे और जो हमारा जो एफआरपी जो है रिमूव हो जाएगा करता था। लेकिन अब वो जो फीचर चेंज होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है और ये सारा का सारा फीचर जो यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपको जो है एडीएल मोड में ही यहाँ पे सारा मोबाइल आपका जो है बूट करेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा में यहाँ पे सारा सारा जो ऑप्शन है, यहाँ पे एमआई अकाउंट रिमूव करने का है, टोटल जितना भी मोबाइल है सबका जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे सारा सारा ऑप्शन है। लेकिन ये सारा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका जो है फास्ट बूट में या जो है एडीबी मोड में जो है यहाँ पे ये वर्क नहीं करने वाला है। ये सारा का सारा जो ऑप्शन वर्क करेगा तो सिर्फ एडीएल मोड में ही वर्क करेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि एडीएल मोड आप कैसे लाएंगे, क्योंकि मोबाइल में जो है एमआई का जो है एडीएल मोड नहीं आता है, वॉल्यूम प्लस माइनस को प्रेस करने के बाद भी जो उसका जो एडीएल मोड नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसमें जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और जितना भी पहले का मोबाइल था, कोई भी कंपनी का मोबाइल था, उसमें एडीएल मोड डायरेक्ट आता था, उसका वॉल्यूम प्लस माइनस दबाने पर जो है उसका एडीएल मोड ऑटोमेटिकली आ जाया करता था हमारे डिवाइस में, जब मैं उसका क्वालकॉम लोडर शो करता था और उस लोडर को हम सिलेक्ट करके उसका जो है हम फ्लैश फाइल रीड कर सकते थे, राइट कर सकते थे, कुछ भी हम उसे कर सकते थे। लेकिन ये एमआई के फोन में जो है एडीएल मोड का ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप उसका जो एडीएल मोड है वो कैसे आप पता करेंगे कि उसको जो एडीएल मोड है वो कैसे आप ला सकते हैं उस मोबाइल का। मान के चलिए आपके पास एमआई का नोट 4 है, नोट 3 है, जो भी एमआई का मॉडल है उस मॉडल में आप उसका जो है
किस तरह से आप उसका आइडियल मूड ला सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो इंटरनेट कनेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर सारा का सारा मॉडल जो है MI का यहां पर दिया हुआ है। तो इसमें आपको कौन से मॉडल का जो आपको फ्लैश फाइल रीड करना है या राइट करना है, जिस मॉडल का भी आपको करना है या उसका अकाउंट आपको रिमूव करना है आइडियल मोड के जरिए से, आप उस मॉडल पे आप क्लिक कर दें और ऑनलाइन आपको यहाँ पे ये जो है इमेज आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको कैसे आइडियल मोड लाना है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे जो टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, इस टेस्टिंग पॉइंट को आपको जो आपस में ज्वाइन करना होगा, जंपर देना होगा आपको या शॉर्ट करना होगा, ठीक है। तो जब इस टेस्टिंग पॉइंट को आप शॉर्ट कर देंगे, उसके बाद यहां पे देख रहे हैं बैटरी कनेक्टर, तो बैटरी कनेक्टर को आपको यहां से निकाल देना है, ठीक है। बैटरी आपको नहीं लगाना है, बैटरी कनेक्टर निकाल देना है, टेस्टिंग पॉइंट को शॉर्ट कर देना है। उसके बाद मोबाइल को आप डाटा केबल से जब अपने कंप्यूटर में बूट कराएंगे, तो जब आप अपने कंप्यूटर से बूट कराएंगे तो आप अपने डिवाइस मैनेजर को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद जब आपका डिवाइस मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप पोर्ट पर क्लिक करेंगे, और पोर्ट पर क्लिक करने के बाद वो आपका जो जैसे आप वहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट को शॉर्ट करेंगे और डाटा केबल लगाएंगे आप, तो यहाँ पे आपका क्वालकॉम लोडर शो करेगा, ठीक है। और क्वालकॉम लोडर शो करेगा, और आपके जो कंप्यूटर में है आपका जो क्वालकॉम लोडर का जो जो USB ड्राइवर है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। ये बैटरी कनेक्टर का आपको जो है पता जो है आपको यहाँ से निकाल देना है, ठीक है, और शॉर्ट कर देना है। यहाँ पे आपका लोडर शो करेगा, उसके बाद उस लोडर को आप अपने MI टूल में, सॉरी अपने क्वालकॉम टूल में उसका पोर्ट सेलेक्ट करके आप उसका कुछ भी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो रीड करने वाला वीडियो मैंने पहले बना रखा है, राइट करने वाला वीडियो मैंने पहले बना रखा है क्वालकॉम CPU का, आप देख सकते हैं कैसे रीड कैसे राइट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे फर्क ये है कि आइडियल मोड जो है MI मोबाइल में नहीं आता था, ठीक है। लेकिन ये MI मोबाइल में आइडियल मोड लाने का जो तरीका मैंने आपको दिखाया, ठीक है, इस तरीके से MI मोबाइल का जो किसी भी मॉडल का जो है आप आइडियल मोड ला सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा अभी आपको और मॉडल में आपको दिखाने वाला जाता हूँ, और आप थोड़ा सा देख लें। चलिए दोबारा फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, दूसरे मॉडल को हम सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए किसी भी मॉडल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, जिस मॉडल को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसकी इमेज यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस मॉडल का जो यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे इस टेस्टिंग पॉइंट को हम शॉर्ट करेंगे आपस में, ठीक है, और शॉर्ट करके इसका बैटरी कनेक्टर निकाल देंगे और डाटा केबल लगाएंगे हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, तो आइडियल मोड हमारे डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और फिर भी अगर शो नहीं करता है आइडियल मोड, तो हम क्या करेंगे कि उसमें जो है डाटा कनेक्टर, सॉरी क्या कहते हैं, इसका जो टेस्टिंग पॉइंट है इसे आपस में जो है इसको कनेक्ट करेंगे, टच करेंगे आपस में, इन दोनों को पॉइंट को आपस में जो जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसके बाद बैटरी कनेक्टर निकाल देंगे, डाटा केबल लगाएंगे, ठीक है। डाटा केबल लगाने के बाद अगर फिर भी अगर जो क्वालकॉम लोडर डिवाइस मैनेजर में अगर नहीं आता है, तो लास्ट में हम उसका बैटरी कनेक्टर लगा देंगे, और बैटरी कनेक्टर जब लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो क्वालकॉम लोडर हमारे डिवाइस मैनेजर में शो करेगा ही करेगा। जब उसका ड्राइवर ले लेगा तो उसका फिर पोर्ट सेलेक्ट करके हम उस मोबाइल का कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया, और सच में अगर आपके ये काम आया ये वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।